हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या फिर आप अपनी तैयारी को कितना अभी बंद नहीं करना, अपनी तैयारी को जारी करना है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आपके शिक्षा सेवन चयन आयोग का जो बोर्ड है वो लग चुका है और वहाँ पर सदस्य भी आ चुके हैं। अब ये भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये भी न्यूज़ आ रही हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो बोर्ड है वो लग चुका है और 4 सदस्य भी पहुंच गए हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। ये अमर उजाला से ही है, देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बुधवार को मेन मुख्य गेट पर नए आयोग के नाम का बोर्ड भी लग गया है। यानी कि जो बोर्ड जो पहला नाम था वो अब नाम हट के नए आयोग का नाम का बोर्ड भी लग गया है। इसके अलावा नवनियुक्त सदस्य आरपी सिंह एंड डॉक्टर सीमा शाक, डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित तथा डॉक्टर एच के राय आयोग पहुँचे एंड काम शुरू कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ये है, एक वर्ड है काम शुरू कर दिया गया, तो ये काम ये लोग शुरू कर दिए हैं। 3 सदस्य केसी शर्मा, विनोद सिंह एंड राम सुचित ने सोमवार से ही आयोग में जिम्मेदारी संभाल ले ली है। तो मेरा ये मोटिव था इस वीडियो बनाने का कि आप लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही तैयारी को अपने स्लो कर दिए हैं, अपनी तैयारी को अभी आप रफ्तार दीजिए। क्योंकि अब आपने जो अभी 1 साल 1.5 साल से आप तैयारी करते चले आ रहे हैं ना, उसको कहीं पे भी स्टॉप ना होने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए काम शुरू हो गया है और हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आफ्टर इलेक्शन के बाद हमारी ये जो आपकी TGT PGT है ये लोग पक्का कराएंगे। क्योंकि सबसे पहले जो भी भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उन्हीं को ये पूरा कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि जितने भी सदस्य आ चुके हैं बोर्ड में वो अपना काम भी शुरू कर दिए हैं, ऐसी न्यूज़ आ भी रही है। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आफ्टर इलेक्शन आपकी जो TGT PGT की एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। तो मेरा कहने का बस एक ही था कि आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करिए। अगर आपकी तैयारी, जैसे आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आप क्या करें, रिवीजन करते रहिए। अब आप यहाँ पे रिवीजन दें, चाहे वो ग्रामर का हो या लिटरेचर का हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई को स्टॉप मत करिए। ओके, अब आप यहाँ से रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर इतनी ही इस छोटी सी वीडियो में मुझे बस इतना बता था कि आप अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। यहाँ से आप अपने, अगर आपने अभी भी जो नए बच्चे हैं जो अभी तैयारी नहीं किए हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं और मे बी उनकी भी तैयारी अच्छी खासी हो सकती है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।